access to? What is your comment on that? I think we live in a time in a world where everything is changing. Sab kuch change ho raha hai. And we have to support what's correct and what's right. And we have to support the people who feed us, jo humko khana dete hain, jo itna kaam karte hain, and they break their backs for us. And farmers are some of those people. And I feel bad that they're going to be out in the cold. They're going to be suffering on the streets right now. But I do hope that that change on both sides is fair. So jab bhi wo conclusion hota hai on both sides for farmers and the government, then it's things have to change. We don't live in a different world. We live in this time. And we have to change according to that. डेफिनेटली डेफिनेटली किसानों को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी करता हूँ और सभी को करना चाहिए. और आई थिंक उनको उनका राइट मिलना चाहिए, इसमें कोई थॉट की बात ही नहीं है. आई थिंक दे शुड उनको अपना राइट डेफिनेटली मिलना चाहिए. उनको राइट मांगने की भी जरूरत पड़ रही है. बिल्कुल, ये बात आपने मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जो इतना ज़्यादा काम करते हैं, सबसे लेबोरियस काम एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा प्राइमरी कंट्री का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और उनकी स्थिति अगर इतनी खराब है. इन्होंने माइक सही रखा नहीं था, लेकिन एक बात बहुत चौंकने करने वाली है जो इन्होंने बोली, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से. अगर आज एक फार्मर की बीवी ये बोले कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से, तो ये बात बहुत बहुत बेकार और बहुत ही गंदी है हमारे देश के लिए. एंड अगर हम चौकन्ने नहीं हुए तो दूर नहीं है वो दिन जब हमें अनाज के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा. और मतलब बहुत मतलब आप सब जानते हैं, सब अकलमंद हैं, सब समझदार हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे जो यूथ हैं, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, व्हाई कांट दे स्टार्ट थिंकिंग, वो भी अगर ये सोचना शुरू करें कि हम फार्मर बनेंगे, वो फार्मर अगर वो भी बनना शुरू करें, एंड दे यूज ब्रेन्स टेक्नोलॉजी, दे यूज द एडुकेशन, अगर वो लोग ये करें तो इन फार्मर्स को भी बहुत सारी मदद हो सकती है और ये लोग भी ऊपर आ सकते हैं, बिकॉज इनको और बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूथ हु आर वॉचिंग दिस, प्लीज गेट इन टू दिस. इट इज अ ग्रेट, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है. एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन एंड यू विल डू अ ग्रेट फेवर फॉर आवर कंट्री. Thank you.